सिरोंज तहसील के कर्राखेड़ी गांव में स्कूल छत की मरम्मत के नाम पर एक पतली जाली बिछा दी गई और उस पर सीमेंट का घोल डालकर 4.5 लाख रुपए निकाल दिए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही छत से पानी टपकने लगा और जगह जगह से झड़ने लगी। उसमें कई जगह दरारें भी पड़ चुकी हैं। इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के ऊपर भी हमेशा खतरा मंडराता रहता है। हालांकि मामले की शिकायत सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी से की गई है। उन्होंने दूसरे विभाग के इंजीनियर से जांच कराने और कार्रवाई का भरोसा दिया है। स्कूल की वर्तमान प्राचार्य लक्ष्मी चंद कुली ने बताया कि 4.5 लाख की राशि विभागीय संपत्तियों के रखरखाव के लिए आई थी। तत्कालीन प्राचार्य ने इस राशि से काम कराया और उसका मूल्यांकन भी उस समय इंजीनियर ने किया, लेकिन यह घटिया मरम्मत कुछ दिन भी नहीं टिका। ये मेरे कार्यकाल का काम तो नहीं है, ये राजेश टेलर जी के समय का काम है। और ये 4.5 लाख लगभग रिपेयरिंग के लिए, छत की मरम्मत के लिए आया था और वो काम हुआ है। ये आपके माध्यम से अभी मैंने फोटोज भी देखे हैं उस छत के, और प्रथम दृष्टया उसका निर्माण कार्य एकदम घटिया समझ में आ रहा है। कर्राखेड़ी स्कूल में हम जो भी संबंधित इंजीनियर हैं उसको पाबंद करते हैं कि वो जाके उसको विजिट करें। दूसरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को भी बोलते हैं, और यदि गुणवत्ता का कार्य नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से इसके लिए जो भी उत्तरदायी है उसको हम जिम्मेदार ठहरा के कार्रवाई करेंगे।